आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक्स। ये प्रोग्रामिंग लॉजिक्स क्या होते हैं, उनकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग होती क्या है वाकई में असल में। देखिए कुछ निशान है, इनको समझने के लिए पहले इन निशानों के थ्रू में जाए, कुछ सिंबल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। ये एक लैंग्वेज है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, डिम वगैरह और रेंज वगैरह कीवर्ड देख रहे थे, फंक्शन देख रहे थे, मैक्रो देखते हैं। अब इसको एक आपको मैं उन सबको भूल जाने को कहता हूँ और इस पे आने को कहता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग में आप शुरू शुरू से शुरू करते हैं, तो इन सिंबल्स को याद करते हैं थोड़ा सा। ये जो सिंबल है, पहला सिंबल आपको दिख रहा है, स्टार्ट के लिए करते हैं, स्टार्ट या स्टॉप के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। ये होता है प्रोसेस। देखिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, बीच में प्रोसेसर होता है, पहले स्टार्ट बटन होता है। तो मान लीजिए ये स्टार्ट बटन है, ये प्रोसेसर है आपका जो प्रोसेस करेगा, सीपीयू आपका। इनपुट आपका कीबोर्ड, मान लीजिए कि आप कुछ एंटर करेंगे इसमें, इनपुट कुछ देंगे इस सिस्टम को, डिसीजन डिसीजन जो चलेगा आपके प्रोसेस के साथ में ही चलेगा, प्रोसेस का सपोर्टिंग होता है, यस और नो। ये जो प्रोसेस से जो भी आएगा, अगर हम प्रोसेस में प्लस माइनस करवा रहे हैं तो ठीक है, पर यस और नो करवा रहे हैं तो उस टाइम डिसीजन आता है। आउटपुट एज सिंपल एज स्टेटेड, आउटपुट के लिए यूज होता है, डिस्प्ले आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए। ये चीजें मेन होती है। और सबसे नीचे ये लाइन दिख रहे हैं, इसको कनेक्टर कहते हैं, लाइंस होती हैं, फ्लो लाइंस कहते हैं वैसे इसे, जो फ्लो बताती हैं कि प्रोग्राम कैसे किस दिशा में चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा। दो चीज हैं। अब हम सारी चीज तो अब यहाँ पे पेपर पे कर रहे हैं, ये बेसिकली डायग्राम बेस होते हैं फ्लो चार्ट, तो उनके यूज के लिए यहाँ पे कनेक्टर दिए गए हैं दो, क्योंकि एक साथ एक लंबा प्रोग्राम लिख पाना पॉसिबल नहीं है, पेज ही हमारे छोटे छोटे हैं तो क्या करें। तो यहाँ पे एक ऑन पेज कनेक्टर है, एक ऑफ पेज कनेक्टर है। ऑन पेज कनेक्टर मैंने यहाँ छोटा सा प्रोग्राम बनाया, यानी कि एक फंक्शन यहाँ बनाया, उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे से। तो मैं यहाँ पे गोला डाल के कर दूंगा ए, और यहाँ फिर से ए शुरू कर दूंगा, खाली रेफरेंस देने के लिए। ऑफ पेज है कि दूसरे किसी पेज नंबर 23 पे मैंने वो प्रोग्राम बनाया, अब यहाँ से ये प्रोग्राम वहां चला जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें यूज होता है। स्टार्ट सीरियल वाइज आते हैं, स्टार्ट प्रोसेस इनपुट डिसीजन आउटपुट और फ्लो लाइंस एंड कनेक्टर। अब ये आपने देख लिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये कौन सा हुआ आप बताइए। अब ये हुआ डिसीजन, डिसीजन यस और नो का, ये प्रोसेस का है, और ये तिरछा सा दिख रहा है जो इनपुट का है। स्टार्ट एंड के लिए हम ये साइन यूज करते हैं और आउटपुट के लिए ये यूज करते हैं। इन सिंबल्स को याद रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। कोई एक इंस्टीट्यूट है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन IICP। अभी हम प्रोग्रामिंग के ऊपर पूरी तरह से नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके एंटर करेंगे। तो जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं प्रोसेस के ऊपर बनते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको प्रोग्राम कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोग्राम को जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या पर्टिकुलर सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। जैसे यहाँ पे इटैलिक करने का है, बोल्ड करने का है, तो ये बोल्ड इटैलिक जो भी है इनके पीछे एक प्रोग्राम इस तरह का लिखा गया होगा। अब इनको हमने कंबाइंड करा के बना दिया वर्ड बना दिया, इनको कंबाइंड करा के एक्सेल बना दिया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हमारे सिस्टम बनते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए या कोई भी सॉल्यूशंस हो गए। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, हर जगह कॉम्बिनेशन। तो बेस स्टार्ट होता है हमारा एक फ्लो चार्ट, एक प्रोसेस को देखते हैं, फिर एक प्रोग्राम को देखते हैं, छोटे से प्रोग्राम को पहले, कि
अब प्रोग्राम क्या है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन IICT, कोई इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है। स्टार्ट, स्टार्ट आपका हर बार स्टार्ट ही होगा, कोई भी प्रोग्राम है स्टार्ट होगा ही, डेफिनेट है। तो यहाँ पे बस एक जस्ट रिमाइंडर के तौर पे या फिर एक फ्लैग के तौर पे इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये साइन यूज होता है। फ्लो लाइंस ने बताया कि अब नीचे जाओ, गोज टू IICP सेंटर, मतलब स्टूडेंट जो है इनके सेंटर पे गया। अब सेंटर पे जाना क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस हो गया, कोई क्रिया है काम कर रही है इसको क्रिया मान लीजिए, प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस हो गया। अब इनपुट क्या दिया सेंटर को, आपने दिया इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म में अपनी डिटेल आपने सेंटर को दी, तो ये इनपुट किया आपने उस सिस्टम में, आपने अपनी डिटेल्स जो है एंटर की, आप टेस्ट के लिए बैठे, टेस्ट जो है वो एक प्रोसेस हो गया। अभी बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस है इसमें, ज्यादा इसको मतलब गहराई से समझने की जरूरत नहीं, तो जितना जैसा मैं बता रहा हूँ बस उसको एज इट इज लेने की कोशिश कीजिए। टेस्ट के लिए आप बैठे, ये प्रोसेस हो गया, उस टेस्ट के ऊपर काउंसलिंग हुई, ये भी प्रोसेस हो गया। फिर ये इनपुट बॉक्स आया, फिल द फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब काउंसलिंग के अंदर आपको कोई अलग अलग तरह के कोर्स सजेस्ट हुए, तो आपने कोई कोर्स चूज किया, उसकी डिटेल्स जो है किसके थ्रू, फॉर्म के थ्रू फिल की, मतलब फिर से सेंटर को दी कि हाँ जी ये वाला कोर्स, ये फीस जो भी है, अब पे द फीस, आपने फीस दी, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, फीस देना एक प्रोसेस था, फीस दी आपने, इसको आप दोनों तरह से ले सकते हैं, पर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस है। अब आउटपुट क्या आया, ये सब करने के बाद आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया और आपको एक किट मिल गई, अगेन स्टॉप, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर हो गया, एक प्रोग्राम हो गया एक सेंटर में एडमिशन लेने का, जिसको एक प्रोसेस फ्लो के तौर पर दिखाया गया, फ्लो चार्ट के अंदर दिखाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हल्का सा इंट्रो बस समझने के लिए। अब आते हैं कोर प्रोग्रामिंग के ओर पे, प्रोग्रामिंग में कैसे बिल्ड करना है, हमने तो पहले इसमें मतलब इसमें चाय कैसे बनाते हैं उसका भी फ्लो चार्ट बनाया था, बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप इस पे और ज्यादा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कहें कि चाय बनाने का प्रोसीजर क्या है, चाय बनाने का, या कोई भी चीज उठा के शुरू हो जाए कि, या कोई आपको जूनियर को आपने प्रोसेस समझाना है कोई, तो फ्लो चार्ट्स का यूज करें। अब ये प्रोग्राम है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू ऐड टू नंबर्स, सिंपल सा है, दो नंबर इनपुट कराने हैं और जोड़ने हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें दो नंबर एंट्री करेंगे और उनका प्लस होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए प्रोसेस क्या बनेगा, स्टार्ट, अब इनपुट क्या करना है, गेट द फर्स्ट नंबर। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर इन द सेंस हम कई बार एक फॉर्म भी बनाते हैं, जैसे कोई हमारी स्लिप्स होती है किसी भी जगह पे, तो वो भी एक फॉर्म होती है, वो भी एक प्रोसेस होते हैं, उनका डेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह यूज किया जाता है। कोई भी फॉर्म हम भरते हैं, चेक डिपॉजिट कराने का हो गया, अकाउंट खुलवाने का हो गया, तो फॉर्म होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही यूज होता है। फॉर्म जो होता है वो आपका मतलब यूजर एंड पे होता है, यूजर एप्लीकेशन के तौर पे होता है, वो आपने भरा। अब बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हुआ, वो फ्लो चार्ट्स के जरिए आता है। स्टार्ट, गेट द फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर दिया इनपुट के तौर पे, गेट द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर इनपुट किया, प्रोसेस क्या दिया हमने, ऐड द टू नंबर, प्रोसेस में डाल दिया कि जो दो नंबर मिले हैं उनको ऐड कर दो। देन आउटपुट में क्या कर दिया, जो इनका एडिशन था वो डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले द रिजल्ट और स्टॉप, सिंपल प्रोग्राम दो नंबर को जोड़ने का। आगे इसी तरह से सम ऑफ फाइव नंबर, अभी सम ऑफ फाइव नंबर्स में स्टार्ट किया हमने, पहला नंबर एंट्री कराया, ये इनपुट है, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच इनपुट ले लिए हमने, फ्लो डायरेक्शन चलती रही। अब प्रोसेस क्या किया, ऐड द फाइव नंबर,
ठीक है जी, इन पांचों नंबर्स को हमने जोड़ दिया। अब इनमें ये आपको लग रहा है ऐसे जोड़ दिया, क्या किया, कोई साइन यूज नहीं किया, ये खाली ये समझाने के लिए। बीच में हम धीरे धीरे ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, डेटा टाइप भी इंट्रोड्यूस करेंगे, सब चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, पर जो इसका स्ट्रक्चर रहता है प्रोग्राम का वो इसी तरह से रहता है। जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो इसी तरह से लिखा जाता है, एक बार बनाया जाता है, और ये मोस्टली हम दिमाग में ही बना लेते हैं अपने। तो ऐड द फाइव नंबर, पांच नंबर ऐड किए, फिर उनका सम डिस्प्ले कर दिया, स्टॉप, पांच नंबर हमने जोड़ दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब क्या करना है, एक नंबर एंटर करवाना है यूजर से, उसे दो से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देना है। तो इसमें क्या हुआ, स्टार्ट वही रहा, इनपुट क्या करवाया, एक नंबर, प्रोसेस में उसे दो से मल्टीप्लाई करवा दिया और रिजल्ट दिखा दिया। तो ये दो से मल्टीप्लाई कराने का प्रोग्राम हो गया। अब तक मेरे ख्याल से काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं तो ना, अब थोड़ा सा इनके वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। प्रोग्राम है डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन आइटम। अब यहां से आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं डेटा टाइप से, जो आज हम पढ़ने वाले, अगर टाइम मिला तो उसे पढ़ेंगे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी प्रोग्राम के बीच में। स्टार्ट किया हमने कैरेक्टर, यहाँ पे जो कैरेक्टर है और यहाँ न्यूमेरिक है, सी आइटम नेम। अब जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, अगर उस पर हम यही ना लिखें कि यहाँ भरना क्या है, तो वो बेकार हो जाएगा, यूजर कुछ भी भर के चला जाएगा। आप पूछ रहे हो महाभारत व रामायण लिख के आएगा, तो इसी तरह से वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल इन द सेंस हेडिंग्स, अगर हम एक्सेल में कहें तो विदाउट हेडिंग के बेकार है सारी चीजें, तो इनको एज ए हेडिंग टाइटल के तौर पे नहीं तो ज्यादा। इसमें दो तरह के अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एक कैरेक्टर एक न्यूमेरिक। कैरेक्टर जो हो गया हमारा अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हो गया, इनका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इसमें आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी आ सकता है, या इस तरह की चीजें। दूसरा हो गया न्यूमेरिक, जिनका काम ही कैलकुलेशन से है, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, और उसका टोटल अमाउंट या वैल्यू हो गया। अब इनके नाम के आगे इन्होंने ऐसे बनाए हैं ताकि हमें देखते पता चल जाए कि ये कैरेक्टर है कि न्यूमेरिक है। ये हम यूजर के लिए नहीं बना रहे, ये हम अपने लिए ही बना रहे हैं। जैसे कैरेक्टर के आगे आइटम नेम तो लिख रहे हैं, पर हमने सी और लगा दिया। सी का मतलब है कैरेक्टर का वेरिएबल है। मान लीजिए न्यूमेरिक में मैं आइटम नेम कर देता, या कुछ ऐसा नेम जो दोनों में कॉमन हो सकता था, तो वो कंफ्यूज करता, इसलिए इनके आगे इनिशियल सी या एन से कर दिया। कई बार आप प्रोग्राम देखेंगे या एक्सेस में या एसक्यूएल में इस तरह की वैल्यूज देखेंगे या हेडिंग्स देखेंगे, उनके उनके आगे आपको ऐसे इनिशियल्स जरूर मिलेंगे। दूसरा, इसका रूल कहता है कि इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप जो है इनको वेरिएबल कहते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं दे सकते, बिकॉज ये डिफरेंशिएट रह जाएगा, वो हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, वो उसको पहचान नहीं पाता, रीड नहीं कर पाता कई बार। तो जहां भी इनको स्पेस देना होता है वहां क्या करते हैं, ये वहां ये अंडरस्कोर दे देते हैं जोड़ने के लिए, या इस तरह से लिखेंगे। ठीक है जी, तो दो चीजें आई इसमें, कैरेक्टर और न्यूमेरिक। कैरेक्टर में हम कैलकुलेशन नहीं करते, न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है जी, अब इनपुट क्या करवाया, एक्सेप्ट सी आइटम नेम। हम यहाँ पे एबीसीडी भी लिख सकते हैं, पर अगर हमारा ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है तो एबीसीडी एक पॉइंट के बाद हम भूल जाएंगे। चलो हमें तो याद रहा, पर हमने 100 प्रोग्रामर लगा रखे हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने बैठे हैं, तो
तो वो ए हर किसी को नहीं पता रहेगा, उसे बार बार देखना पड़ेगा कि ए कहाँ डिक्लेयर हुआ था, उसने क्या क्या प्रोसेस किया, तो वो याद नहीं रहेगा। तो इसका बहुत अच्छा रोल होता है हेडिंग का। हेडिंग रेवलेंट होना चाहिए, उसी के जैसा उसको डिफाइन करने वाला होना चाहिए। तो पहला हमने क्या किया, सी आइटम नेम एक्सेप्ट करवाया, आइटम नेम एक्सेप्ट करवाया। दूसरा एन प्राइस, तीसरा एन क्वांटिटी। तो तीन चीजें एंटर करवाई, आइटम का नाम, प्राइस और क्वांटिटी। अब प्राइस और क्वांटिटी जब आपने दे दी, चलो प्राइस भी उठा लिया हमने, क्वांटिटी दे दी। अब चाहिए था, जैसे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है तो उसकी टोटल वैल्यू बता दे हमें, इतना तो करवा ही सकते, नहीं तो सॉफ्टवेयर किस काम का। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या हुआ, जो एन वैल्यू हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे एन वैल्यू के अंदर हमने क्या किया कि एन वैल्यू इक्वल टू है एन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एन क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वैल्यू का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ, एन वैल्यू इक्वल टू जो राइट साइड की वैल्यू है लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाती है इस प्रोसेस के अंदर। इस तरह से अगर आप कभी प्रोग्रामिंग में लिखते हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर उठ के चली जाएगी। तो प्राइस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हुआ और वैल्यू दिखा दे, और एन वैल्यू हमने क्या किया, डिस्प्ले सी आइटम नेम और एन वैल्यू। हमने आइटम नेम डिस्प्ले कराया और वैल्यू दिखा दी, जैसे यू हैव चूजन कुरकुरे एंड द टोटल बिलिंग अमाउंट इज इतने रुपए, स्टॉप प्रोग्राम। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे प्राइस या क्वांटिटी मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं दी। बेसिकली हम बना रहे हैं एक फॉर्मूला, सिंपल सेंस में कहें कि हम फॉर्मूला डिजाइनर हैं, हम फॉर्मूले बनाते हैं, लोग उसको यूज करते हैं। तो लोगों के लिए बनाया है, हर बार प्राइस क्वांटिटी सेम नहीं रहेगा, तो हम उनको इन वेरिएबल्स के थ्रू होते हैं। हमें प्रोसेस तो पता है कि करना क्या है, पर आइटम भी हर बार अलग अलग रहेगा, प्राइस भी अलग रहेगा, क्वांटिटी भी अलग रहेगी। तो एक ही बार की कैलकुलेशन के लिए नहीं, हमें एज अ फॉर्मूला तैयार करना है तो वेरिएबल का यूज करना पड़ता है, इसलिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा स्टार्ट कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं हमारे, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं ये प्रोग्राम को। अब थोड़ा सा हमारा इसमें हो रहा है, हम कई बार इफ का फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में। इफ का फॉर्मूला हम वीबीए में भी यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं। तो इफ एल्स को डिनोट किया जाता है डिसीजन साइन से, ये खाली लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। तो अब क्या है, फाइंड आउट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हमें ये चेक, एक यूजर से नंबर एक्सेप्ट करवाना है और ये चेक करवाना है कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। स्टार्ट न्यूमेरिक एन नंबर, ये प्रोसेस हुआ, न्यूमेरिक का एन नंबर हमने एक वेरिएबल ले लिया, यूजर से एक्सेप्ट करवाया एन नंबर, एंटर करवाया, उसमें कोई भी नंबर डाला। अब डिसीजन बॉक्स क्या कर रहा है, इज एन नंबर मड्यूलो 5, ये परसेंटेज का साइन है और 5 है, फिर इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब ये चक्कर क्या है, मोड का आपने पढ़ा होगा, फंक्शन एक्सेल के अंदर मोड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है किसी चीज का। अगर जिसे कहते हैं हिंदी में शेषफल, अगर मान लीजिए 10 है, उसको मैं 5 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि 5 से 10 पूरा पूरा भाग हो रहा है। और उसी जगह अगर मैं 11 कर दूं तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल 1 आएगा। तो अगर 0 नहीं है तो यहाँ खाली दो चीज में है, इक्वल टू खाली चेक कर रहा है, एन नंबर मड्यूलो 5 इक्वल टू 0, ये खाली दो आंसर देगा, येस और नो। शेषफल जो भी है उसको हमने बता दिया इज इक्वल टू 0 और नो, 0 और नॉट, तो दो डिसीजन देगा, यस और नो में। अगर यस है, मतलब अगर डिविजिबल है, तो ये डिस्प्ले कर देगा डिविजिबल बाय 5, अगर नो है तो डिस्प्ले कर देगा नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इसी तरह से हमारी जो ये प्रोसेस फ्लो लाइंस हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई, फ्लो लाइंस आई डिसीजन में,
और यस नो के आंसर पे ये बट गई। अगर यस है तो ऐसे घूम के आके बंद हो गई, और नो है तो सीधे आ गई ऐसे। ये समझ में आया कि क्या हुआ है इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? रविंदर जी कुछ इसमें कंफ्यूजन? नहीं सर जी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, या फिर मैं आपको अब थोड़ा सा इसमें VBA थोड़ा सा इंक्लूड कर देता हूँ। यही सेम प्रोग्राम आपको मैं VBA पे बना के दिखाता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। चलिए एक्सेल कोई प्रोसीजर बनाया मैंने, अब सिंपल सा क्या प्रोग्राम है, एन न्यूमेरिक नंबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए इंटीजर यूज करते हैं। डिम मैं एन नंबर ही ले लेता हूँ एज इंटीजर। कोई भी जो डिक्लेयर होती है वो इस तरह से होती है, हमारे VBA में डिक्लेरेशन इस तरह से होती है। इनको बोलते हैं डेटा टाइप। इंटीजर क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर ये इससे रिलेटेड है। जैसे न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक और करेक्टर, तो न्यूमेरिक के लिए यहाँ पे हमारा इंटीजर यूज होता है। इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है। इनका डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको बाद में, पर सिंपल शब्दों में कहें तो जहां पे नंबर कैलकुलेशन है वहां पे इंटीजर, और जहां पे टेक्स्ट रहेगा वहां पे स्ट्रिंग यूज हो जाएगा। स्ट्रिंग कैरेक्टर और बहुत सारे, पर जनरली स्ट्रिंग यूज हो जाएगा। तो एन नंबर एज इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया। सेकंड क्या हुआ, एक्सेप्ट एन नंबर। अब एन नंबर को एक्सेप्ट कराना है किसके थ्रू कराऊंगा, एन नंबर इक्वल टू इनपुट बॉक्स। यहाँ पे करेंगे इनपुट द नंबर, इनपुट बॉक्स होता है। इनपुट बॉक्स होता है, इनपुट बॉक्स के अंदर ये क्या करेगा, एक मैसेज बॉक्स सा डिस्प्ले करेगा नंबर डालने के लिए। वहां नंबर डाल देंगे तो नंबर आते ही इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक्सेप्ट एन नंबर करवा लिया। अब हमारा इफ का फॉर्मूला, इज एन नंबर मॉड्यूलो बाय 5 और नॉट। इफ का फॉर्मूला, इफ एन नंबर इसमें लग जाएगा सीधा सीधा फॉर्मूला मॉड चलता है ना, इक्वल टू 0। मोड इसमें डायरेक्ट नहीं चलता, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट, वर्कशीट फंक्शन डॉट मोड या फिर यही लगा लेते हैं, डायरेक्ट चलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक एन नंबर मॉड्यूलो बाय 5 इज इक्वल टू 0, देन
मौत। 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 मौत का फंक्शन आ रहा है यार। चलिए इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एम राउंड फीलिंग। और क्या करें, डिविजिबल बाय फाइव। मोड ऑपरेटर क्या है हमारा, इतनी सारी प्रोग्रामिंग यूज करता हूँ, थोड़े थोड़े। अच्छा मोड है, डायरेक्ट ऑपरेटर है क्या हमारे पास। मोड नंबर टू, मोड एन नंबर, मोड फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें ये ऑपरेटर इस तरह से यूज होता है। कई बार क्या होता है, ये ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको परसेंटेज के रूप में मिलेगा, एक्सेल में ये फंक्शन के रूप में है, और यहाँ पे ऑपरेटर ऐसे दिया हुआ है। एल्स तो मैं कह रहा था, ये प्रोग्राम जो है दो भाग में, दो प्रोसेस में चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, यस में क्या हुआ, डिस्प्ले डिविजिबल बाय फाइव। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैसेज, मैसेज बहुत डिविजिबल बाय फाइव, और एल्स में दिखा देता हूँ नॉट डिविजिबल बाय फाइव। अगर आपका ये इफ एल्स वगैरह नहीं हुआ है तो ये बाद में अलग से कवर होगा, मैं खाली सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि बिहेव कैसे करता है। जो ये हमारा डिसीजन बॉक्स है, इसमें यस और नो में दो अलग अलग प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, दो अलग अलग स्टेटमेंट, दो आउटपुट दिखाए। तो आउटपुट में मैसेज के थ्रू भी शो करवा सकता हूँ। तो इसमें जो है डिसीजन मैंने यहाँ दिया, और जो प्रोसेस लाइन आई वो यहाँ पे पहली वाली यस में इधर चली, नो में इधर चली, और ये टोटल जो है मेरा डिसीजन बॉक्स मान लीजिए। ठीक है जी। अब डिसीजन बॉक्स के बाद मेरा आउटपुट एंड सब्जेक्ट तो हो ही रहा है, इफ भी यहाँ पे जो है वो इफ भी एंड होता है, तो एंड जो है ये अपने आप में एंड है। तो स्टार्ट हो गया, डिक्लेरेशन हो गई, इनपुट हो गया, स्टार्ट प्रोसेस में डिक्लेरेशन, इनपुट में यूजर से एंट्री, डिसीजन जो मैंने किया वो इफ के थ्रू किया यस और नो का कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, और एंड ये हो गया। ये इसी तरह से हो गया। अब इसको चलाते हैं, पहले मैं देता हूं 10। ओके डिविजिबल बाय 5। अब इसमें देता हूं 11, नॉट डिविजिबल बाय फाइव। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है और ये इसी तरह से चलता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा ये प्रोग्राम लिखना, ये हमेशा इसी तरह से होता है। बस आपको क्या है कि वहाँ आपको डिसीजन बॉक्स पता पड़ गया,
और आपको ये पता करना होगा कि डिसीजन बॉक्स इसमें चलते कैसे हैं, डिक्लेरेशन होती कैसे है, इनपुट लिए कैसे जाते हैं, आउटपुट कैसे दिखाए जाते हैं, इन्हीं के डिफरेंट 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 तरीके होते हैं। यही सब पूरा प्रोग्रामिंग यही चीज है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब ये प्रोग्राम है हमारा डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। अब इसमें क्या किया, प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोसेस में हमने चार वेरिएबल लिए, नम वन, नम टू, नम थ्री और एन लार्जेस्ट, चौथा वेरिएबल हमारी लार्जेस्ट वैल्यू को सेव करने के लिए। तीन इनपुट हमने करवाए, नम वन, नम टू, नम थ्री, ठीक है जी। पहला डिसीजन क्या लिया हमने, इफ एल्स स्टेटमेंट में जैसे हम डाल रहे हैं, तो इज नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, पहला जो नम वन में जो वैल्यू है वो नम टू से ग्रेटर है, अगर ये yes, तो एन लार्जेस्ट के अंदर हमने नम वन की वैल्यू रिप्लेस करा दी, अगर नहीं तो नम टू भी करा दी। मतलब तीन में नहीं, दो में तो हमें पता पड़ गया कौन सा बड़ा है, तो एन लार्जेस्ट हमने ले लिया इन दोनों प्रोसेस के थ्रू। एन लार्जेस्ट वेरिएबल में वो वैल्यू चली गई जो लार्जेस्ट थी। उसके बाद एक और डिसीजन बॉक्स दे दिया, इज नम थ्री इज ग्रेटर देन एन लार्जेस्ट। अब जो ये वैल्यू हम लार्जेस्ट दो में से लाए थे, उसे तीसरी से भी चेक करा लिया कि नम थ्री कहीं लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है तो नम थ्री डिस्प्ले कराओ, अगर नहीं तो एन लार्जेस्ट डिस्प्ले कराओ। ये हो गया आपका प्रोग्राम एंड। फ्लो लाइंस भी इसी तरह से चलती हुई है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका थोड़ा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। इफ का जो मैंने छोटा सा आपको यूज दिखाया, एक बार कोशिश कीजिएगा, नेट की हेल्प ले सकते हैं उसमें, इसको आप लोग बनाइएगा प्रैक्टिस के लिए, ये जरूरी है। आपकी प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगी, अगर आप ये बना पाए तो आपकी प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगी। चेक इफ द एज इज नेगेटिव, अगला प्रोग्राम है, किसी की एज एंट्री करवानी है, एज नेगेटिव तो नहीं है, मतलब जीरो से माइनस में तो नहीं ले रखी उसने वैल्यू। अब इसमें क्या किया, दो एक वेरिएबल ले लिया एन एज, खाली एक ही काफी था, एक्सेप्ट एन एज, एज एक्सेप्ट कराई। डिसीजन में क्या किया, इज एन एज इज इक्वल टू जीरो, देखो कहीं एज जो है जीरो तो नहीं है, अगर है तो हमें दिखाना है डिस्प्ले एज कैन नॉट बी जीरो, एक मैसेज शो करा देना, फिर प्रोसेस आगे बढ़ा देना, और नहीं है जीरो नहीं है तो हमें ये चेक करना है इज एज इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ी नहीं है नो तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, यहां पे हमें दे देना है कि नेगेटिव में नहीं डाल सकते आप पहले, अगर जीरो से बड़ी है तो यस डिस्प्ले एन एज, उसकी एज शो कराते, ठीक है। तो इसमें पूरे प्रोसेस में जीरो और नेगेटिव वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं वैलिडेशन। जैसे डेटा वैलिडेशन यूज किया होगा आपने एक्सेल में, तो उसी तरीके से इस प्रोग्राम को यूज किया गया वैलिडेशन। प्रोग्राम वही सिंपल है, लॉजिक वही सिंपल है, बस उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह यूज है। डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ 10 इवन नंबर्स। अब यहां हमारे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, हमने वहां पे डिसीजन जाना, यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया लूप। लूप क्या करता है, पहले वाले प्रोग्राम में क्या था कि यस नो में काम खत्म हो जाता था, यहां पे यस नो दिया प्रोसेस आगे बढ़ गया, एंड हो गया, जो भी हो गया अगले प्रोसेस पे बढ़ गया, मतलब एक ही बार जो थी एक डिसीजन बॉक्स में एक ही उसकी चेकिंग होती थी। पर इसके अंदर क्या होता है, आपके लूप सिस्टम में ये तब तक चेक कराता रहता है, तब तक इसी में अटका रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती या फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक इसी में अटका रहेगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अब ये एक प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम किसके लिए है कि डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ 10 इवन नंबर्स। स्टार्ट हुआ नुमेरिक में,
एन नंबर ले लिया एक हमने, एन प्रोडक्ट ले लिया, एन इवन ले लिया प्रोसेस में। तो तीन वेरिएबल लिए, एन नंबर, एन प्रोडक्ट, एन इवन, ठीक है जी। तो इवन नंबर का कराना है, पहले क्या किया इन्होंने, एन नंबर में दो लिया, ये लॉजिक है, एन इवन में जीरो लिया, एन प्रोडक्ट में एक लिया। ये क्यों लिया ये आपको अभी समझ आ जाएगा। एन प्रोडक्ट इक्वल टू, एन प्रोडक्ट जो है इक्वल टू कराया एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, तो दो को एक में मल्टीप्लाई कराया तो एन प्रोडक्ट में चला गया दो। एन नंबर इक्वल टू, अब यहां पे इसका यूज खत्म हो गया, यहां पे दो चला गया, अब एन नंबर इसको दोबारा छेड़ा, एन नंबर में क्या किया, एन नंबर में दो और प्लस कर दिया, इवन नंबर थे ना, तो दो चार छ आठ ये होंगे, तो दो का तो काम हो गया, यहां चला गया, अगला दो इसमें कर दिया, अब ये चार हो गया, यहां चार हो गया। अब इवन नंबर क्या किया, एन इवन में एक प्लस कराया, यानी जो इवन जीरो था उसमें एक प्लस कराया, ठीक है जी। इसको एज अ काउंटर यूज किया है, इज एन इवन लेस देन 10, अगर एन इवन लेस देन 10 है तो फिर वापस चलो इसी प्रोसेस में, फिर एन प्रोडक्ट पे आ गया, एन प्रोडक्ट में दो था पिछली बार तो एन नंबर में हमारे चार आ गया, चार को दो से मल्टीप्लाई किया फिर आठ आ गया, अब यहां बड़ा फिर दो ऐड हो गया, छह हो गया, यहां पे क्या हुआ इवन में एक और ऐड हो गया, दो हो गया, तो मतलब ये 10 इवन नंबर को बार बार यहीं तक चलाएगा, ये प्रोसेस तब तक रिपीट हो जाएगा, होता रहेगा जब तक ये कंडीशन नो नहीं हो जाती। लास्ट में जब ये 10 बार घूम के आ गया तो इसने क्या किया, डिस्प्ले एन प्रोडक्ट और स्टॉप कर दिया। इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन? एक्सप्लेन वैसे कुछ वो है नहीं, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली लूपिंग पता नहीं है अभी तक, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। संदीप अच्छा, तो इसको ना ये जो रिकॉर्डिंग होगी इसको मास्टरपीस की तरह संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये आपको सारी जब भी आप अटकेंगे ना तो सल्यूशन आपको इसी में से मिलेगा, कि आज के ओके बाद जो भी आप प्रोग्राम करेंगे तो अगर कॉन्सेप्ट को लेके कहीं प्रॉब्लम आएगी तो कॉन्सेप्ट आपका यहीं से सॉल्व होगा, लूपिंग का, ठीक है जी, लूपिंग का, इफ एल्स का, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड प्रोग्रामिंग है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, बाकी मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में और डीपली। आज आप इसको, मैं ये आप लोगों की मेल आईडी है क्या इस पे, तो मैं आपको वो भेज देता, ये फाइल भेज देता आपने, मेल आईडी आप मुझे इसमें चैट में मैसेज कर दीजिए अपने। मुझे इसमें अपने में फाइल नहीं आ रही, मैं आपको फिर ये फाइल भेज देता हूँ। ये आपकी मतलब अच्छी से अच्छी बुक जो होती है उसका ये काम करेगी, वही आपको इसके बाद किसी और प्रोग्रामिंग बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सी सी प्लस प्लस पूरा जितना होता है वो इसी बुक में है, आप इसको डेप्थ से पढ़ें तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और अभी
अगर ये आप समझ गए तो इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संजय जी अपनी आईडी, हाँ आ गई। हाँ आपको इस पे मैं एक फाइल डाल देता हूँ, ये वाली, इसका नाम है PLT, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक। तो इसको देख लीजिएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, फिर आज के लिए विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है, या थैंक्स। ओके, गुड नाइट।